टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भर्तियों की, खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्ती पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम की। आज मैं पूरे दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा, रात में भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा, रात में मैंने लाइव किया था, सुबह भी मैंने लाइव किया। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार शाम तक ये फोन करने लगे, बात करने लगे, जो वहां पर छात्र थे आंदोलन में वो भी विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर जानकारी निकल करके आ रही है कि कोई नोटिस जारी होने वाली है शाम 6 बजे तक सभी टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप पर बात वायरल हो रही है कि मीटिंग चल रही है, नोटिस आ जाएगी 6 बजे तक 7 बजे तक। तो आप भी अपडेट दे दीजिए। तो मैंने अभी तक टेलीग्राम चैनल में ना यूट्यूब चैनल में इस तरीके मैंने कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं भ्रामक जानकारी नहीं देता हूं। बहुत सारे छात्रों को यह भी कहना था कि इस तरीके की सूचना दे दीजिए ताकि विद्यार्थियों का उत्साह बना रहे, तो मैं फेक जानकारी आपको नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि बता रहा हूं कि आप अभी मैं बाद में बताऊंगा नोटिस के बारे में, लास्ट में जानकारी भी दूंगा वास्तविकता क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की आधी से ज्यादा जीत हो चुकी है, जीत इस पैमाने पर हुई है कि आप लोगों की जो बात है वो ऊपर तक पहुंच गई है। आपका जो आंदोलन है वो केवल प्रयागराज में ही नहीं रहा, यह पूरा देशव्यापी आंदोलन हो गया है। सभी नेशनल जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी मीडिया हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में आपकी जो बात है वो रखी जा रही है। सभी नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और आपका ये जो आंदोलन है ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप लोग प्रयागराज की हैं, प्रयागराज में विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला था, ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद में ये जो पोस्टर बहुत सारे वायरल हुए हैं ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। और उसके बाद में ये लखनऊ में भी ये जो धरना प्रदर्शन है, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। और आज दिल्ली में अनुमति लेकर के विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला, दिल्ली में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं दिल्ली की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत हो रही है छात्रों से, कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कल की बात करें कि जितने विद्यार्थी कल थे उससे ज़्यादा विद्यार्थी आज प्रयागराज में थे। पहले ये वीडियो देखिए आप लोग दिल्ली का। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, आयो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रयागराज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। प्रयागराज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। प्रयागराज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लोग साथ का होगा, इस हिसाब से बच्चे उलझे हैं और बच्चे सड़क पे हैं। एक हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है लड़ाई अब आपके अस्तित्व की है। आपको पहला, सबसे पहला करना है, सही सही बात, छात्र है पहला। दूसरा, ये सरकार जब से आई है, मैं सरकार का चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी भी सरकार का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं विचारधारा का विरोध जरूर करता हूँ। मैं भाजपा को स्वयं वोट किया हूँ, समझ रहे हैं। इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी से छात्र संघ को सस्पेंड किया कि छात्रों के, इसने क्या किया, जो राजनीति के दबाव ग्रुप होते हैं, दबाव ग्रुप किसके होते हैं, अरे सपा दबाव ग्रुप थोड़ी है यार, सपा ग्रुप थोड़ी है, किसको बेवकूफ समझते हैं। इन्होंने आपको बेवकूफ समझ के आपके दबाव ग्रुप को तोड़ा, छात्र संगठनों को तोड़ा, आपके हितों को तोड़ा। इलाहाबाद के कमरों में बैठ कर क्या कर रहे हैं पता है, कि आप जो है विपक्ष द्वारा प्रायोजित भीड़ है, आपको फंडिंग दी जा रही है। समस्या क्या है कि ये आगे से ज्यादा सीटों को बैठ चुके हैं, अरे अपने 500 के लोगों को अंदर करना है। और शायद यही कारण है कि विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लखनऊ में 144 धारा लगा दी गई है।
ये आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है। लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। 12 जनवरी तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और इसको लेकर के ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया कि आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस और काला दिवस, क्रिसमस डे, नव वर्ष, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, भारतीय किसान संगठनों, प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु 14 नवंबर 2024 से नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पत्र जारी हो गया है, सरकार ने जारी किया है, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो विद्यार्थी हैं ये मानने वाले हैं, शांतिपूर्वक तरीके से किसी ना किसी तरीके से विद्यार्थी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी पहले आप लोग ये कुछ छात्रों के बयान देखिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। आप अपने सिस्टम व्यवस्था में सुधार करिए, हर बार स्टूडेंटों के साथ क्यों छेड़खानी होती है? अगर कोई मामला हो जाता है, किसी का नंबर हाई होता है, किसी का लो होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो फिर हम लोग फंसेंगे ना। इनको क्या है, इनकी एक महीने की सैलरी कभी रुकी है क्या? समय तो हम लोग का जाएगा, पैसा हम लोग का जाएगा। फरवरी से लेकर आठ महीना हो गया हम लोग खेल रहे इलाहाबाद में, लेकिन आगे भी अगर कोई मामला होगा तो हम ही लोग खेलेंगे ना। इनको क्या है, इनका तो गद्दी पे बैठे रहेंगे ना। योगी बाबा से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी में क्या और भी प्रदेश में आपका पहली नजर रहता है? आप अपने छात्रों के विषय में क्यों नहीं सोचते? अब हमको आयोग के अध्यक्ष से तो उम्मीद नहीं है, योगी जी से उम्मीद है, योगी जी ही न्याय दे सकते हैं। प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि हम लड़कियां रात दिन यहाँ बैठे रहते हैं और हम लोग को टॉयलेट जाने की भी बहुत ज्यादा असुविधा होती है। देखा आप लोगों ने प्रयागराज और दिल्ली चारों तरफ का प्रदर्शन, आप लोगों ने देखा किस तरीके से विद्यार्थी वन डे वन शिफ्ट का नारा लगा रहे हैं और घूम रहे हैं। अंत में एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश की एक और जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो गई है और ये परीक्षा जुडिशरी की HJS की वैकेंसी, जिसकी परीक्षा 8 तारीख को होनी थी। ये पत्र देख सकते हैं आप लोग, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट जुडिकेचर और 13 तारीख को ये की नोटिस है और इसके बारे में लिखा कि ये परीक्षा 8 तारीख को होनी थी और अब ये पोस्टपोन हो चुकी है। नई डेट आपको बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं पर हम बात करते हैं अब PCS को लेकर। PCS की जो नोटिस है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय महाराष्ट्र में हैं। मुख्यमंत्री जी जब तक स्वयं मीटिंग नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई सार्थक जो हल है वो निकल करके आएगा। मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल आप देखेंगे, 2 घंटे पहले इन्होंने ये वीडियो डाला है अपने ट्विटर पर ऑफिशियल। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सीएम योगी का ये ट्विटर हैंडल है और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में राष्ट्रवादी नेता जनता के मध्य। तो इस समय महाराष्ट्र में है मुख्यमंत्री जी, तो जब महाराष्ट्र में है तो मीटिंग कैसे होगी, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कैसे होगी, आप खुद बताइए। डिसीजन ये मुख्यमंत्री ही लेंगे और इसके अलावा कोई भी दूसरा उप मुख्यमंत्री या दूसरा कोई सचिव वगैरह नहीं लेगा और इस पर निर्णय लेना है, निर्णय तो आना चाहिए। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र में हैं और इसीलिए मैंने शाम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो आंदोलन है वो अब केंद्र तक पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश से होते हुए केंद्र तक पहुंच गया है और सब जगह चिंतन मंथन हो रहा है। क्योंकि डिसीजन ऊपर से होना है इसीलिए आज जो अधिकारी हैं वो मिलने नहीं आए थे शाम तक। बहरहाल अभी की स्थिति में बता दूं कि अभी भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो गेट हैं वहां पर डटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का जारी है। और रही बात आज नोटिस जारी होने की, तो इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी, एक जानकारी और है कि BPSC TRE का जो रिजल्ट है वो अब किसी भी समय जारी हो सकता है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी और है कि BPSC TRE का जो रिजल्ट है वो अब किसी भी समय जारी हो सकता है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।